टारगेट विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। ये निश्चित और ये सत्य है कि वास्तव में जीना हमको यही सिखाते हैं। जीवन जीने के लिए हमको अपने अंदर उत्साह लाना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, तभी जा करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो अपने लक्ष्य को आप लक्ष्य कर लीजिए और आप आगे बढ़िए। हम यानी टारगेट विद्यालय का यह पूरा ऑनलाइन संस्थान आपके सामने प्रस्तुत है, समक्ष आपके खड़ा है, आपसे आपके साथ कदम से कदम मिला करके वह चल रहा है। आप अगर हम बात करते हैं जो टीजीटी पीजीटी नए बैच का आगाज हुआ है, इसमें आपके लिए एक सुनहरा मौका है, उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो विद्यार्थी एकदम नहीं जानते उनके लिए भी है, और जो जानते भी हैं और उनके लिए भी है, क्योंकि उनके साथ हम किस पर आ रहे हैं, मैं 2500 प्रश्नों के लाइव के साथ आ रहा हूं। यानी कि आप देख रहे होंगे कि नीचे आपको स्क्रॉल में नंबर चल रहा होगा, उन नंबर पर बात करनी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन नंबरों पर बात करिए, और फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस फ्री टेलीग्राम चैनल को आप निश्चित तौर पर जान लीजिए, वहां कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारी जो संस्था है वह उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था और सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाली संस्था है। हम लोग पिछली बार भी पढ़ाए थे और सारी फैकल्टी मिलकर के अपने अपने पूर्ण मनोयोग से काम किया था और एक अच्छा रिजल्ट दिया था। इस बार भी उससे भी और अच्छा हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें साथ आपका चाहिए, यानी बिना आपके प्रयास से कुछ संभव नहीं होने वाला है। हम तो प्रयास कर रहे हैं, संस्था प्रयास कर रही है, लेकिन उस प्रयास में आपका साथ होना बहुत आवश्यक होता है। पहले हम थोड़ा सा आपसे परिचय करा देते हैं कि अभी जो हमारे यहां बैच रन कर रहे हैं, उन जो टीजीटी पीजीटी बैच का जो स्टार्टिंग हुई है, 10 तारीख से प्रॉपर तरीके से क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए यानी मैथ में हमारे यहां दो फैकल्टी आपको मिलेगी, एक आपको संदीप सर, आप मैथ उनको नहीं जानता है, और दूसरा मैं स्वयं यहाँ हिंदी को लेकर के आऊंगा, संस्कृत को लेकर के अनिल मिश्रा सर, और एसएन बिस्वा सर आएंगे आपको इंग्लिश को लेकर के। यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए अमित त्रिपाठी सर, एक रिनॉन्ड फैकल्टी, जो मैं ये कह सकता हूं कि शायद ही अगर इतना कोई अच्छा आपको शिक्षक मिले, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला है, आप जारी रखिएगा। मैथ के लिए एनएस तोमर सर, बायोलॉजी के लिए दिलीप तिवारी सर, फिजिक्स के लिए यूके रावत सर आपके समक्ष दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर पुनः आते हैं एकदम हमारी जो मातृ जगत को संरूपित करने वाली आपको ज्योति मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए, और जी कृष्णा सर हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बहुत ही जबरदस्त अस्थायित्व के साथ पढ़ाने वाले, एकदम ठहराव के साथ पढ़ाने वाले जी कृष्णा सर आपको मिलेंगे हिस्ट्री के लिए। डॉक्टर दुर्गेश सर आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के लिए, बहुत ही बेहतरीन अच्छे आपको शिक्षक के तौर पर, मार्गदर्शक के तौर पर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आनंद मिश्रा सर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और यहाँ पर आर्ट के लिए अमित शुक्ला सर बहुत ही बेहतरीन, और हमारे यहाँ यह कला तो पढ़ाते हैं, इसके अलावा सिविल में भी ये हिस्ट्री को पार्ट को देखते हैं। सोशियोलॉजी में आपको आलोक पांडे सर मिलेंगे, और होम साइंस के लिए आपको सृष्टि में मिलेंगी, और इनका साथ देने के लिए दिलीप तिवारी सर के साथ साथ ही आपको बायोलॉजी के लिए यानी बॉटनी आपको समरीन फातिमा जी मिलेंगी, यानी आपको ये पूरी फैकल्टी हमारी आपको एक स्थान पर टारगेट विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको एकत्रित मिलेगी। आप जो है हमसे जुड़िए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, जुड़ते भी हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग भी एक बार कम से कम अगर कहीं भी पढ़े हों तो एक बार जुड़ करके हमसे देखिए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। निश्चित तौर पे
आपको ये अनुभव होगा और आपको तुलनात्मक रूप से आप निकालेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि टारगेट डालो का यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके साथ कर क्या रहा है, कितनी ईमानदारी पूर्वक यहाँ शिक्षक आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और लेते हैं। यहाँ पर आपसे जुड़ने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक तो नीचे आपको स्क्रॉल में नंबर चल रहा है, उस पर भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप इन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए और कॉल करके मुझसे आप जुड़िए और जुड़ करके अपने भविष्य को आप निर्मित करिए। अच्छा होगा, बढ़िया होगा। मैं हिंदी स्वयं पढ़ाता हूँ, यानी मैं पंडित अमरीश भट्ट आपको स्वयं हिंदी पढ़ाता हूँ, और हिंदी मैंने कहा कि केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ बल्कि प्रबोधित करता हूँ, हिंदी की समझ विकसित करता हूँ कि हिंदी वास्तव में होती क्या है। हम हालांकि मेरे आप चैनल पर ही यानी टारगेट विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो तमाम वीडियो मेरे पढ़े हुए हैं, हर सेगमेंट के पढ़े हुए हैं, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं एक छोटा सा आपके सामने परिचय लेकर आया हूँ, एक ऐसी शख्सियत की परिचय लेकर आया हूं कि थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे जिसको पूरी दुनिया जानती है। आज मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं और वो शख्सियत हैं आपको आज यहां पर कौन है, वो हैं छायावाद के। यूं कह लें कि अगर हम छायावाद का नाम सुनते हैं, अगर जो लोग जानते होंगे, थोड़ा उनके लिए वीडियो हो सकता है कठिन हो सकता है कि जो अभी बेस एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई कठिन नहीं होगा कि जो लोग जानते हैं। तो छायावाद में हालांकि उनके लिए केवल बेस से कठिनाई हो सकती है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में भी छोड़ करके, भारतीय द्विवेदी छोड़ करके छायावाद की सर बात कर रहे हैं, लेकिन वहां अगर नहीं जानते होंगे तो निश्चित तौर पे जयशंकर प्रसाद का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो आज हमारी जो बात होगी वह किसकी होगी, वो होगी जयशंकर प्रसाद की बात होगी, यानी हम जो चर्चा करेंगे आपको जयशंकर प्रसाद पर, हम क्या करेंगे आपसे इनके बारे में थोड़ा सा हम परिचय दे करके कुछ बातें इसमें बताएंगे। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले कभी कभी व्यक्ति की प्रसिद्धियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं और लोग जानते हैं, प्रसिद्धि में लोग जानते हैं लेकिन अपने छूट जाते हैं, यानी और अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का व्यक्ति नहीं जानता है लेकिन बाहर का व्यक्ति खूब जानता है, नाम से खूब चर्चित है। लोग ये कहते हैं कि अरे जयशंकर प्रसाद जी, अरे हिंदी के, अगर उनको हिंदी में नहीं जाना तो फिर किसको जाना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जिस समय जो भी व्यक्ति रहता है उस समय की अगर बात है तो वहां उनके जानने वाले जहां वो रहते हैं वो कम रहते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि उतनी प्रसिद्धि नहीं है जितने उस पर्टिकुलरी क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। कुछ ऐसा ही जयशंकर प्रसाद जी के साथ ही एक वाक्या मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद का काल तो लगभग आपको यहां पर मिल ही जाएगा कि बराबर ही लगभग मिल जाएगा, समकक्षी ही रहे हैं, छायावाद में दोनों लोग रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी प्रसाद पंदिराला के बाद में आते हैं तो, और यहाँ पर इनको महादेवी वर्मा जी को सरस्वती भी कहा जाता है, कभी चतुष्टय में इनको शामिल किया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद से मिलने के लिए महादेवी वर्मा सोची कि एक बार चलें, कम से कम जयशंकर प्रसाद को देखें, तो इतना बड़ा नाम है हिंदी साहित्य जगत में, इतना बड़ा नाम है कि जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता है। क्योंकि उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था कि हम यही खोल करके और सर्च मार करके देख लें, उस समय तो किसी से मिलने के लिए पत्र व्यवहार करना, किसी से मिलने के लिए जाना पड़ता था और कुछ अपनी वार्तालाप के लिए लिखना पड़ता था, वो भी जाता था, उधर से जवाब आता था, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं धीरे धीरे, वो बड़ी टाइम टेकिंग थी, आज का समय नहीं था। तो उस समय तो अगर किसी से मिलना है तो उनको जाना पड़ता था मिलने के लिए, आज तो आपको नहीं भी मिलना है तो बस दर्शन ही कर लीजिए, उतना ही काफी है, मोबाइल पे ही कर लीजिए, टेलीविजन पे कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, आपकी इच्छा, जहां सोशल जितनी भी साइट्स हैं, नेटवर्किंग है, वो उस माध्यम है, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये गई बनारस, ये गई तो बनारस में जब गई तो होता क्या है ना कि
आपके मन में ये हो कि जयशंकर प्रसाद से हम मिलने जा रहे हैं, कौन इनको नहीं जानता। वहां बनारस में जब उतरे तो इनको लगा कि जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता होगा, तो इन्होंने पूछा कि भाई मुझे जयशंकर प्रसाद के घर जाना है, जयशंकर प्रसाद को। तो उसने कहा कौन जयशंकर प्रसाद? तो उन्होंने कहा जयशंकर प्रसाद को नहीं जानते, जो तांगे वाले थे उस समय, तो ऐसा चलता इक्का चलता था, तांगा चलता था ऐसा ही। कहा नहीं नहीं मैं नहीं जानता हूँ जयशंकर। इनको लगा जयशंकर प्रसाद को नहीं जानता है। अच्छा अगले और भी पूछे कि भाई जयशंकर प्रसाद को मैं घर जाना है अब जयशंकर। अच्छा इन्होंने कई लोगों से पूछा, कोई जयशंकर प्रसाद को ना जानता था। उसी बीच एक तांगे वाले ने हिंसे मिल गया और वो कहा कि आपको सुघनी साहू के यहाँ जाना है। तो इन्होंने कहा सुघनी साहू? अरे नहीं 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 कोई सुघनी साहू, अरे सुघनी साहू, अच्छा तो सुघनी साहू करते क्या है? तो सुघनी साहू जो है लिखते पढ़ते हैं। अच्छा हो आप किसके यहाँ जाएंगे? अरे वो बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, मैं उनके वहां जाऊंगी, ये सुघनी साहू के यहाँ मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा अरे हमारे वो सुघनी साहू के जो है ना वो भी बहुत बड़े लिखते हैं, लेखक हैं, बहुत बड़ा वो लेखक हैं, वो लिखते हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो इन्होंने सोचा कोई होगा सुघनी साहू, अच्छा इन्होंने ये सोचा कोई लिखने पढ़ने वाला है तो कम से कम वो तो जानता ही होगा, तो इसलिए ने कहा कि ठीक है उन्हीं के यहाँ ले चलो। तो उनके यहाँ ये जब गए वहां उसने उतारा, उनसे बातचीत, उसके बाद बातचीत हुई, परिचय हुआ, तब ये पता चला कि ये सुघनी साहू यानी जयशंकर प्रसाद ही है। तो यानी यहां जयशंकर प्रसाद की उनसे मुलाकात होती है। उस समय यानी इनके जो पितामह हुआ करते थे वो उनके यहाँ सुरती जानते हैं, सुरती या तंबाकू जानते हैं, इनके यहाँ व्यापार चलता था। तो होता क्या था, पहले सुरती लेकर के जो चलती थी या उसको मल करके लोग सूंघते थे, जो छींक आती थी ऐसे ही लोग करते थे। तो धीरे धीरे सुघनी साहू के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए थे, चूंकि व्यापार उनका तंबाकू का चलता था, ठीक ठाक चलता था इनका व्यापार, तो इस नाम से प्रसिद्ध। हालांकि इसके बाद जयशंकर प्रसाद का जो जन्म होता है, यानी इनका जन्म 1889 में इनका क्या होता है, जन्म होता है 1889 में इनका जन्म जब होता है जयशंकर प्रसाद जी का, तो इनका बचपन का नाम क्या रहता है, झारखंडी भी रहता है। बहुत सारे लोग इनको बचपन में किस नाम से जानते हैं, झारखंडी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई, परिस्थितियां बदलती गई और इनका जो है बाल्यकाल की अवस्था में ही पिता इनके क्या हो जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, यानी पिताजी कालकवलित हो जाते हैं। तो पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो अब भार आ जाता है इनके बड़े भाई पर, और बड़े भाई पर जब भार आ जाता है तो बड़े भाई ने पूरा अब इनकी पढ़ाई जो है, पढ़ाई लिखाई अब घर पे होने लगती है, पढ़ाई लिखाई जब घर पे होने लगती है इसके बाद से, चूंकि बड़े भाई का दायित्व तो था और बड़े भाई ने किया क्या, अब इनका बड़े भाई बड़े ही इनको मानते थे और इनकी पढ़ाई लिखाई घर पर ही, क्विंस कॉलेज से हटकर अब घर पर ही होने लगी। कुछ दिन बाद यानी 2 साल बाद बड़े भाई साहब भी कालकवलित हो गए, यानी उनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया, वो भी इस पार्थिव शरीर को छोड़कर चले गए। अब समस्या आ गई किसके पास, यहाँ जयशंकर प्रसाद के पास एक समस्या आ गई। अब जब समस्या आई, पूरा कारोबार इनका तमाम कर्ज में भी डूबे हुए थे और पूरा कारोबार इनके ऊपर जब चला आया तो इनकी आर्थिक स्थितियां डवाडोल हो गई। एक समय था और फेज था और वो फेज धीरे 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 करके इनको युवा अवस्था में ही वृद्धावस्था की झलक दिखला गया, और जब वृद्धावस्था की झलक दिखला गया इसको ये धीरे, हालांकि इनकी शादी होती है और उस शादी में एक नहीं दो नहीं तीन तीन शादियां होती हैं। इन 3 शादियों में जो पहली पत्नी थी वो कौन थी, विंध्यवासिनी देवी। यानी जयशंकर प्रसाद की जो शादी होती है इनकी, यानी विवाह हुआ और विवाह जो हुआ यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इनकी जो प्रथम पत्नी थी वो थी विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी।
विंध्यवासिनी देवी। दूसरी जो इनकी पत्नी होती हैं वो कमला देवी के नाम से जानी जाती हैं, यानी दूसरी जो पत्नी हुई वो कमला देवी, यानी कमला देवी भी एक्सपायर कर जाती हैं, यानी विंध्यवासिनी देवी भी क्या होती हैं, एक्सपायर कर जाती हैं, ये भी कालकवलित हो जाती हैं, ये भी खत्म हो जाती हैं, फिर कमला देवी से विवाह होता है, ये भी खत्म हो जाती हैं, अंततः भाभी के दबाव में के कारण ये शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भाभी का दबाव था और भाभी के दबाव के कारण यह तीसरी शादी भी करते हैं और वो होती हैं सरस्वती देवी। कौन है? सरस्वती देवी। और सरस्वती देवी से ही एक पुत्र पैदा होता है जिसको कहते हैं रत्नशंकर कहा जाता है, यानी इस पुत्र का नाम इन लोगों ने क्या रखा, रत्नशंकर ये रखते हैं। हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पर बात किया जाए तो ये तो इनकी वैवाहिक स्थितियों के बारे में हो गया और ये इनका कार्यभार चलता रहा और उसी बीच इनका लेखन कार्य भी शामिल रहा, चूंकि लिखने का हुनर पहले से था तो लेखन कार्य भी इनका क्या होता है, ये शामिल रहता है, तो लिखते रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें प्रमुख विधाओं पर बात करें, यानी प्रमुख इन्होंने जो लेखन का कार्य किया, वास्तव में देखा जाए तो लेखन का जो इन्होंने कार्य किया है वह कोई पर्टिकुलरली एक क्षेत्र विशेष में नहीं कार्य किया है, हालांकि इन्होंने अनेक क्षेत्रों में कार्य किया है, लेकिन कुछ प्रमुख क्षेत्रों को हम देखते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला हम आपको काव्य की विधा, यानी जो इनकी विधा होती है, इनकी तमाम विधाओं में एक विधा आपको मिलती है, काव्य की विधा मिलती है, यानी इन्होंने क्या लिखा, काव्य लिखा, काव्य की विधा लिखा, और काव्य की विधाओं में इन्होंने तमाम काव्य की रचना, तमाम कविताओं की रचना किया। इसके बाद से यानी इनकी काव्य की विधा हुई, इन्होंने उपन्यास में भी खूब हाथ चलाया और बढ़िया एक कालजयी उपन्यास भी इन्होंने लिखा और हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने दिया। इन्होंने नाटक जो लिखे, नाटक के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी लेखनी को चलाया और ऐसा अमर नाटक दिया है कि वह अभी तक उसका जो पात्र और उसका जो चरित्र, हालांकि वह थोड़े से क्लिष्टता पूर्वक है, अभी मैं बात करूंगा, लेकिन इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भरमार लगा दी और एक से बढ़कर एक इन्होंने नाटक लेखन का कार्य किया। इसके बाद से इन्होंने कहानियां भी लिखी, कहानी के क्षेत्र में भी, यानी इनकी तमाम कहानियां आई और कहानी के क्षेत्र में भी अपना इन्होंने काम किया। इन्होंने जो है तमाम अन्य विधाओं पर भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो काव्य की विधा में जब आते हैं तो मैं आज थोड़ा सा एक सामान्य परिचय दे रहा हूं, विशिष्टता में नहीं जा रहा हूं। किसी दिन अगर आपकी मांग होगी कि हर एक क्षेत्र को लेकर के बनाया जाए वीडियो, यानी काव्य को काव्य में भी एक एक को लेकर के बनाया जाए, तो वो भी मैं कर दूंगा, आप बताइएगा, जैसी आपकी इच्छा होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो काव्य की विधा में जब ये अपना लेखनी चलाते हैं, काव्य की विधा, काव्य संग्रह, इस काव्य को संग्रहित करते हैं, यानी इस विधा में जब लेखनी इनकी चलती है तो तमाम प्रमुख काव्य ये लिखते हैं, जैसे वन मिलन, यानी काव्य की विधाओं में अगर जाएंगे तो आप मिलेंगे वन मिलन पाते हैं, क्या पाएंगे, वन मिलन पाते हैं आप, यहीं पर क्या पाते हैं, यहीं पर आप अयोध्या का उद्धार पाते हैं, अयोध्या का अयोध्या अयोध्या का उद्धार पाते हैं, ठीक है, अयोध्या का उद्धार पाते हैं। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर प्रेम पथिक पाते हैं, महाराणा का महत्व पाते हैं, यानी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रेम पथिक मिलेगा, प्रेम पथिक मिलेगा आपको, यहीं पे महाराणा का महत्व मिलेगा,
महाराणा का महत्व मिलेगा। यहीं पर आपको झरना मिलेगा, यहीं पर आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, झरना मिलेगा, यहीं पर चित्राधार मिलेगा, यहीं पे आपको क्या मिलेगा, चित्राधार मिलेगा, चित्राधार मिलेगा, यहीं पर आपको आंसू, लहर, कामायनी यानी तमाम आपको काव्य मिलेगा, आंसू, लहर, कामायनी, कामायनी यानी तमाम प्रकार के आपको क्या मिलेंगे यहां पर जयशंकर प्रसाद के काव्य नजर आएंगे। इन काव्यों में अगर हम कहें कामायनी को तो कौन नहीं जानता, महाकाव्य है, और इस कामायनी में आपको 15 सर्ग मिलते हैं। कामायनी, कामायनी जो है इसमें कितना आप, आपको अगर होगा, मैंने कहा कि अगर आपको लगता है, अगर आपको ये लगे कि एक एक काव्य पर वीडियो बनाई जाए तो आप निश्चित तौर पे लिखिएगा, या जिस पर आपको लगता है कि नहीं इस काव्य पर जानकारी हमको चाहिए इस पर वीडियो बनाई जाए तो ये भी आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे। यानी कि हम यूं कहें कि कामायनी में टोटल 15 सर्ग है और 1935 में कामायनी लिखी जाती है। कब लिखी जाती है, 1935 में लिखी जाती है। 15 सर्गों में विभक्त एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी का, और इन्होंने जब एक काम की है नहीं है, इसका इसमें प्रमुख पात्र के रूप में अगर देखेंगे तो आप श्रद्धा को पाएंगे, और वह काम की पुत्री के रूप में आती है, तो चूंकि काम की पुत्री होने के कारण इसका नाम पड़ता है कामायनी पड़ता है। कामायनी क्यों नाम पड़ा, काम की पुत्री होने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, कामायनी पड़ता है। एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हम बात कर रहे हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे कामायनी को, प्रत्येक सर्ग में पढ़ेंगे तो हर सर्ग का अलग अलग रूप पड़ता है। इन 15 सर्ग का क्या है, अलग अलग रूप आता है, और इसमें जो है आपको बातें बड़ी ही मार्मिक तरीके से हर एक सर्ग में आपको बताई जाती है। अच्छे महाकाव्य में एक कालजयी महाकाव्य स्वीकार किया जाता है। इसमें अगर पात्रों में अगर मैं 4 पात्र लेता हूं तो 4 पात्रों के 4 प्रतीक हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक पात्र आपको मनु आते हैं। एक पात्र कौन आता है, अगर हम कामायनी के पात्र की चर्चा करें और इसका जो है हम संकेत चर्चा करें यानी हम इसके प्रतीक की बात करें तो मनु का जो, मनु का जो यानी प्रतीक है वो किससे है, वह मन से होता है। मनु जो है, मनु का प्रतीक किससे है, वह मन से है। श्रद्धा का जो प्रतीक है वो किससे है, हृदय से है, यानी श्रद्धा। वैसे भी आप ये देखिए हृदय से ही श्रद्धा होती है। श्रद्धा किससे होती है, अब अगर आप यूं कहें तो श्रद्धा के रूप में अगर देखा जाए या कहा जाए तो श्रद्धा हृदय से ही पनपता है, ऐसे भी कह सकते हैं। ईड़ा जो है वह बुद्धि होती है, यानी ईड़ा अगर हम याद करने के लिए कहें तो कीड़ा जो है हमेशा बुद्धि में ही आता है। बुद्धि में तमाम प्रकार की कीड़ाएं जो हैं उपस्थित रहती हैं, तो ईड़ा जो कैसे वह उपस्थित है, वह ईड़ा प्रतीक जो है वह बुद्धि का है। और कुमार हमेशा जो रहेगा, चूंकि कुमार है, कुमार है, कुमार मतलब कुमारा, आपको समझाने के लिए वहां मत समझिएगा कुमार मतलब कुमारा, कुमार जो है यह किसका प्रतीक है, मानव का प्रतीक है, यानी यहां पर मानव हो जाएगा। ये 4 पात्र प्रतीक बड़े ही पूछे जाते हैं आपसे, तो एक सामान्य आउटलाइन अगर मैं खींचूं तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ये आप मनु किसका प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, ईड़ा किसका प्रतीक है, कुमार किसका प्रतीक है, यानी इन प्रतीकों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये आपको काव्य की विधाओं में रहा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा चलना चाहिए। अब हम जो है अगली विधाओं में प्रवेश करते हैं और उस पर बात करते हैं। अगली जो विधा यानी हम बात करते हैं, यानी
हम कहें नाटक विधा में आते हैं। नाटक की विधा, मैंने कहा कि प्रसाद जी ने जो नाटक की विधा को अपनाया और जो इन्होंने नाटक लिखा, वास्तव में वो नाटक थोड़े से अन्य लोगों से भिन्न यानी क्लिष्ट नाटक थे। क्लिष्ट नाटक का मतलब है इनका जो नाटक है उनका मंचन बड़ा कठिन होता है। नाटक होना क्या चाहिए, तमाम विद्वान अपने अपने तरीके से व्याख्यात करने का प्रयास किए हैं, लेकिन नाटक बेसिकली होना कैसा चाहिए, नाटक जो होना चाहिए वह आसान होना चाहिए, कम पात्र होना चाहिए, कम साज सज्जा वाला होना चाहिए, तो वह नाटक लोगों के द्वारा मंचन किया जाता है। लेकिन प्रसाद जी के नाटकों में मंचन करना क्यों कठिन होता है, क्योंकि इसमें जो है पहली चीज तो संख्या अधिक है, पात्रों की संख्या अधिक है, दूसरी चीज इनकी जो साज सज्जा है वो बड़ा ही, वो एक तो इनके साथ भाई उतने अगर पात्र जितने ज्यादा रहेंगे उतनी अधिक साज सज्जा, उतनी अधिक मंच का बड़ा होना, और इसके अतिरिक्त पैसे का खर्च भी अधिक होगा, और इनके जो शब्द हैं वो बड़े क्लिष्ट शब्द हैं, वो सामान्य लोगों को हर एक शब्द समझने वाले नहीं होते हैं, इसलिए इनका कहा जाता है नाटक जो है मंचन करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन इनके नाटकों में एक कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता नजर आती है ज्यादातर नाटकों में, और वह नाटक ही बड़े ही प्रसिद्ध और फेमस होते हैं, यानी जो आपको कुछ न कुछ दिशा देते हैं, कुछ न कुछ सोचने जानकारी देते हैं कि ये चीजें पहले भी हुई हैं। तो ये इनकी नाटक की ये खूबियां रही हैं। इन्होंने तमाम नाटक लिखे हैं, इन्होंने नाटक लिखा सज्जन नाटक लिखा, कुछ प्रमुख नाटकों की हम बात कर लें तो इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम होता है सज्जन होता है, एक नाटक इनका जो होता है वो प्रायश्चित होता है, एक नाटक इनका क्या होता है वो प्रायश्चित होता है, एक नाटक इनका प्रायश्चित होता है, एक नाटक इनका करुणालय होता है, करुणालय होता है, करुणालय, और एक नाटक इनका जो होता है वह राज्यश्री होता है, राज्यश्री होता है। मैं कुछ प्रमुख नाटकों की ही बात कर रहा हूं, नाटक इनके तमाम नाटक हैं, मैं लेकिन आपको एक आउटलाइन में आप थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद का केवल बता रहा हूं कि यहां से भी आप एक जान लीजिए कि राज्यश्री होता है, विशाख है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, यानी जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का, जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ तो जान ही रहे हैं कि जन्मेजय का नाग यज्ञ क्या है। मैं किसी दिन मैंने कहा कि पुनः किसी भी नाटक के बारे में, किसी के बारे में अगर जानना होगा तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए स्पेशली एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, तो सबके पात्र और सबकी चीजों को हम क्या करूंगा, यह क्लियर करूंगा कि उसमें क्या है। अच्छा, एक नाटक क्या है, स्कंदगुप्त ही बड़ा फेमस ये नाटक होता है और बड़ा ही मजेदार नाटक है, स्कंदगुप्त नाटक होता है इनका, चंद्रगुप्त एक नाटक होता है, चंद्रगुप्त ये भी बड़ा ही फेमस है, चंद्रगुप्त नाटक है एक नाटक इनका, बहुत ही जो फेमस हुआ है महिला यानी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी बड़ा ही फेमस इनका नाटक हुआ है, और एक नाटक इनका जो हुआ है वह अजात शत्रु, कहीं लिखा गया है अजात शत्रु लिखा गया है, अजात शत्रु ये भी आपका नहीं लिखा गया है, अजात शत्रु ये भी बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक हुआ है। यानी तमाम ये नाटकों की श्रेणी में अगर जाते हैं तो आप जो है तमाम इनके नाटक पाते हैं जो ऐतिहासिकता को लिए हुए हैं, और कहीं न कहीं वह एक दशा और दिशा भी निर्धारित करते हैं, यानी इस रूपों में भी आप इनके नाटकों को आप देखेंगे। और मैं इसके बारे में कभी अन्य बातों पर चर्चा करूंगा, आज केवल इतना ही मैं बात कर रहा हूं, और मैं पुनः आपसे कह दूं कि संस्था आपके लिए नया बैच, फ्रेश बैच चला रही है, उस फ्रेश बैच में थोड़ा सा अगर मैं ये कह दूं कि आपको इस बैच के साथ साथ आपको 2500 प्रश्न,
2500 प्रश्न क्या होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हमारे साथ आप बैच लेते हैं तो आपके लिए यह 2500 प्रश्न निःशुल्क रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल मैं 2500 प्रश्न लूं, तो आप 2500 प्रश्न भी आप संस्था में फोन करके, नीचे जो स्क्रॉल में चल रहा है नंबर, इसको इस पर आप फोन करके आप पता कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए पुनः हम आते हैं अगली विधाओं पर आते हैं, और अगली विधाओं में जो है वह क्या है, उपन्यास है। इनके वास्तव में आपको उपन्यासों में तो देखेंगे, आपको एक कंकाल उपन्यास मिलेगा, एक क्या मिलेगा, कंकाल मिलेगा उपन्यास। आपको एक उपन्यास इनका जो मिलेगा वह तितली मिलेगा, तितली, और एक उपन्यास इनका क्या मिलेगा, इरावती मिलेगा, जो क्या है वह भी अधूरा है, यानी वो पूरा नहीं हो पाया है। तो इनके उपन्यासों में आप इस प्रकार से पाएंगे। ऐसे मैंने कहा कि तमाम इनकी विधाएं हैं, और विधाओं में आप तमाम प्रकार के क्या पाते हैं, उसमें बातें पाते हैं और ज्ञान पाते हैं। और खासकर से जो लोग अगर ये चाहते हैं कि शब्द की मुझे नॉलेज हो, शब्द के बारे में, तो अगर उनको पड़ेगा थोड़े से गाने, नाटक में ज्यादातर गानों का जो प्रयोग हुआ, गीत का प्रयोग हुआ है, वह यहाँ पर भाई आपको देखने को मिलेगा। और काव्य की तो महत्ता क्या है, पूछिए क्या, कि तमाम उत्कर्ष इनके काव्य को लेकर के हुए हैं। तो ये आपको क्या, आपको एक जयशंकर प्रसाद का, मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरा थॉरली बताया हूं, आपको एक आउटलाइन बताया। मैं पुनः आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि ये आपको, ये भी मत सोचिएगा कि ये कोई विशेषीकृत तौर पर मैंने किया है, बस एक सामान्य परिचय के रूप में मैंने जयशंकर प्रसाद को लिया है कि आप ये जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो इनके बारे में तो जानते ही जानते हैं, इसमें कोई ऐसा गहरी चीज अभी मैंने आपको नहीं बताया है, एक सामान्य जानकारी मैंने बताया है। आप जब जुड़ेंगे, या जो हमारे बच्चे जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमारी गहराई क्या होती है और कहाँ तक हम इस पर बात करते हैं। एक सामान्य मैं उनके लिए भी बात किया हूँ कि जो लोग साहित्य से न जुड़े हों, फिर भी अगर थोड़ा सा आउटलाइन जानना चाहते हैं तो उनको भी जानकारी हो जाए, और वो भी जान लें कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लें। मैं पुनः आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप संस्था में आप जुड़िए, संस्था आपके लिए तत्पर है और इंतजार भी कर रही है। तो आप, पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि संस्था यानी 10 तारीख से, इसी 10 अप्रैल से आपका यह बैच रीओपन हो रहा है, यानी 10 अप्रैल से हम लोग पुनः कंटिन्यू पढ़ाने लगेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया आपको ओपन है, एडमिशन की प्रक्रिया में आप स्क्रॉल में नंबर भी चल रहे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर वहां से नहीं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो है वहीं पर नंबर हो वहां से कॉल कर लीजिए। नहीं तो अगर कोई दिक्कत है तो इन नंबरों पर भी आप कॉल करिए, इस नंबर पर उठेगा, हो सकता है बिजी बता सकता है, लेकिन कॉल उठेगा, रिप्लाई होगा। तो आप इन नंबर पर कॉल करिए और मुझसे आप जुड़िए, और आपको बैच के साथ साथ 2500 प्रश्नों की जो लाइव प्रश्नोत्तरी मिलेगी, कमाल की प्रश्नोत्तरी रहेगी और बेहद रहेगी, उसको हल्के में ना लीजिएगा, उसको गंभीरता से लीजिएगा। वह आपके द्वार को खोलेगा, जो अभी बंद द्वार हैं उसको वो मार्ग प्रशस्त कर, यानी वो खोलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी लोगों को, यानी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से, यानी पंडित अमरेश भट्ट की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। पुनः हमारी मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और कि कैसा लगा, जो एक सामान्य गहरी जानकारी नहीं, सामान्य जानकारी। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ शुभ और जय हिंद।